अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और सब काम हमारा हो गया है, नाश्ता वगैरह भी हो गया है, सफाई वगैरह भी हो गई है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। और ब्लॉग मैं यूँ ही स्टार्ट कर पाई कि जो है आपको पता है लाइट नहीं होती तो फिर अंधेरे में क्या मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तो जो है ना खुद भी दिल नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा नहीं अब 2 दिन हो गए हैं क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा, तो ज़ाहिर है मुझे आदत है ब्लॉग बनाने की और आपके साथ ज्वाइन करने की क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में ये कह रहे थे कि जी आपकी आवाज़ बहुत हल्की आती है, तो थोड़ा सा मेरा मोबाइल का भी मसला है और उसका जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ता नहीं है आगे को ना, और मोबाइलों पर तो शायद कितने बढ़ जाते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर माइक का अपना अरेंज कर लिया है, माइक आप देख लोगे इतना मेरा माइक। अब मैं जो जितनी भी वीडियो बनाऊँगी माइक से बनाऊँगी अगर हो सके तो, देखती हूँ कि माइक में कितना साउंड मेरा बढ़ता है। तो जो है यहाँ पर जो है अब हम बैठे हुए हैं और मैं जा रही हूँ किचन में, किसा आइसक्रीम खा रही है, किसा ने आइसक्रीम बनाई है, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि जो है आप अपने घर पर जाकर तो बड़ा आपका साउंड हो जाता है और मैके में जाके, तो जी वो मेरा मैका है और आपको पता है जब लड़की मैके में जाती है तो उसकी एक आवाज़ से ज़्यादा 3-4 आवाज़ें निकलने लगती हैं उसी गले से। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? और ससुराल की बात अलग होती है, ससुराल में भले एक सास ही क्यों ना हो, ससुराल ससुराल होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो है आपको पता है ये बात तो, और इस वजह से जो है ना मेरा खुद का भी थोड़ा धीमा लहजा रहता है। और मैके में जाके आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे कैसे मेरे बनते हैं जबरदस्त किस्म के, और मेरा साउंड भी देखा होगा कि मेरा कितना ज़्यादा साउंड हो जाता है वहाँ जाके। और जी तो यहाँ पर जो है किसा आइसक्रीम खा रही है और किसा ने खुद बनाई है आइसक्रीम जी, और पता है ओरियो में दूध डाल के और उसको अच्छे तरीके से ग्लास में डाल के उसको घोल घाल के और उसको रख दिया डीप फ्रीजर में, और अब स्कूल से आई और कह रही मम्मा मेरी जो आइसक्रीम थी ना वो बन गई होगी, तो मैंने कहा कौन सी आइसक्रीम जी, तो कह रही है कि जो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर देखें जी आइसक्रीम वाली दुकान भी खुल गई है, किसी को ऑर्डर देना हो आइसक्रीम का तो वो दे सकता है। कमेंट में तो मैं आपके लिए बना लूँगी और सेंड कर दूँगी, अगर मैं पिक्चर सेंड कर दूँगी तो देखिएगा अच्छी बन जाएगी। अच्छा जी, ये देखें ये जो है ना किसा आइसक्रीम खाने में मज़े उससे खाने में मज़े से क्या क्या निकल रहा है मुँह से, खाने में मसरूफ़ है और किसा मज़े की है। किसा मैं इससे अच्छा तुम्हें चौकबार दिला देती, तुमने कितनी मेहनत करी है, दूध का गोला बनाया है। तो चलें जी यहाँ पर किसा आइसक्रीम खा रही है और खाने के बाद मैं इससे कहूँगी सो जाओ भाई थोड़ी देर सो जाओगी तो ज़रा अच्छा है, सुकून से ज़रा आँख वाँख खुलेगी फिर, और ट्यूशन के लिए भी तैयारी होगी। और अभी तो दोपहर हो रही है तो मैं खाने के लिए जा रही हूँ किचन में, और मैंने सामान मंगवाया था हस्बैंड से वो आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी रेसिपी। और रेसिपी मैं बना रही हूँ आज खाने में, मेरा जो मेन्यू है वो है पुलाव, चिकन का पुलाव बना रही हूँ मैं, सादा बनाऊँगी क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं। और अभी जो है ना बच्चे किसा के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, किसा आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना बेटा, इनके 9 मार्च से इनके पेपर स्टार्ट हो गए हैं फाइनल, और इनके मार्च में ही रिज़ल्ट आ जाएगा, और इनका जो दूसरा सेशन है क्लास 1 का तो वो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से या मई से, तो जो है अच्छा है जल्दी जल्दी ये देखें। और जैकम के भी नहीं स्टार्ट हुए अभी, जैकम के थोड़ा टाइम है, रमज़ान में बोल रही हैं यानी कि अप्रैल में, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ और आपके साथ व्लॉग बना रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जाके, मिनट का काम है लाइक कर दें, सेकंड का काम है बेल घंटी को इसलिए बजा दें कि हमारे हर आने वाली वीडियो गला सही करें बेटा, अरे नहीं वो वाला गला नहीं वो तमीज़ का गला सही करें। अच्छा मैंने बोला गला सही करें तो वो गला यूँ करने लगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट कर दे जल्दी जल्दी ताकि तो हमारी वीडियो हो पा रहे हमेशा हम लोग एक काम। हाँ और अभी पता है यहाँ पर मैंने सामान लेने भेजा है हस्बैंड को, और यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल कर रखे हुए हैं अपने, और मैं फ्रेश वगैरह होंगी उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी वगैरह 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 वगैरह। आपको पता है नीचे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ मुझे सर्दी लग रही है।
तो मत खाओ ना, ये दूध का गोला बनाया आइसक्रीम थोड़ी है कोई। नहीं नहीं मैं ऐसी आइसक्रीम खाना बिल्कुल कतई पसंद नहीं करती। नहीं 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 गाइस को खिला देना, गाइस खाना पसंद करेंगे? नहीं 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 गाइस भी नहीं खाना पसंद करेंगे। तो हाँ, और पीछे देखे तेल की बोतल भी रखी हुई है, किसा के मैं ऑयलिंग करूंगी अभी और फिर मैं खुद भी जाऊंगी फ्रेश होना, किसा को भी फ्रेश करूंगी और किसा तो बस तेल का नाम सुन के भाग गया। यहाँ पर सारा सामान मैंने मंगवा लिया है और अब देखें लाइट ही चली गई है। मैं मोबाइल के टॉर्च से ये वीडियो बना रही हूँ, तो जो है जब लाइट आएगी तो फिर मैं ये सारा खाना वगैरह बनाऊँगी और किसा फ्रेश हो रही है इतने में मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में आके ये सामान वगैरह देखती हूँ और फिर मैं खाना बनाऊँगी। जी तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था और लाइट थी नहीं, अंधेरे में मैंने खाना बनाया मतलब कि इमरजेंसी लाइट में, और पुलाव बनाना था मुझे, खीरा वगैरह मैंने पहले ही काट के रख लिया था और यहाँ पर मैंने किसा को चेयर पे रख के दे दी है प्लेट और किसा खा रही है और किसा को वाकई बहुत मज़े का लगा। पता है क्यों मज़े का लगा? क्योंकि बिल्कुल फीका था और फीके खाने बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ हमने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है और जो है खाना खाने के बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और चाय चढ़ाते वक्त मैंने कहा चले मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और जो है खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह समेटे, उसके बाद दस्तरखान वगैरह उठाया, उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा चले चाय बनाती हूँ, चाय बनाते हुए ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मौका अच्छा है, लाइट आ रही है, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो है वो मैंने चाय चढ़ा दी है और किस्सा और जैगम मदरसे से आ गए थे और मदरसे से आने के बाद बच्चे बाहर खेल रहे हैं थोड़ी देर, मैंने उनकी टाइमिंग बांध दी है, मैंने कहा भाई जब तक आप ट्यूशन से जब आ जा सिपाही से जब आप आ जाते हो मदरसे से तो फिर आने के बाद आप थोड़ा सा खेल लिया करो, और जो है आधा घंटा भी नहीं होता बच्चे खेलते बाहर तो जो है सही है, बच्चों को खेलना भी चाहिए। तो सामने ही खेलते हैं घर के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और धूप देखिए सूरज भी जा रहा है और जो है ना गुरूप हो रहा है, और किसा की जो फ्रेंड्स हैं क्योंकि किसा के स्कूल में बच्चे पेपर हो रहे हैं और किसा के जो फ्रेंड्स हैं उन सबके ही पेपर हो रहे हैं, तो किसा को थोड़ा सा वो हो रहा है कि मम्मा सबके पेपर हो रहे हैं, सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा बेटा आप भी कर लें क्योंकि किसा माशाल्लाह बहुत अच्छी है पढ़ाई में, तो उसको तो कुछ याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो है 6:45 पे ये लोग जाएंगे ट्यूशन, 6:45 पे मैं बच्चों को अंदर बुला लूँगी और ये इग्नोर करिएगा और ये टॉवल वगैरह क्योंकि मैंने धो के पहलाए थे। तो मैं आपको किसा जैगम को दिखाती हूँ, जैगम क्या कर रहा है बाहर। तो ये देखें जैगम खेल रहा है बाहर और घर के आगे ही सही है बच्चों का खेलना, और गेट खोलती हूँ और मैं देखती रहती हूँ उसको खड़े हुए। तो यहाँ पर बैट बॉल चल रहा है, किसा का बैट वो जैगम का बैट भी रखा हुआ है लेकिन वो जो है ना वो स्टोर में रखा हुआ है, जब मैं स्टोर की सफाई करूँगी ना तो जो है सही। और यहाँ पर किसा का मूड ऑफ हो गया है, मम्मा मैं किसा आप भी अंदर आ जाओ, और किसा को मैंने कहा अंदर आ जाओ ताकि जो है अंदर आके छुपी हुई है। तो चलें चाय भी बन गई है, चाय को देखते हैं किचन में चलते हैं। अच्छा जी तो किचन में चाय तैयार हो गई है, मैं सिर्फ जैगम के पापा का वेट कर रही हूँ, वो कुछ अपना सामान लेने गए थे दुकान पर, तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर मैं चाय निकालती हूँ। जी तो यहाँ पर चाय हो गई है तैयार और मैंने निकाल भी दी और अब मैं जा रही हूँ कमरे में और चाय पीती हूँ, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ। जैगम तो बाहर खेल रहा है, उसकी आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, तो बच्चे जैसे ही ट्यूशन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टीचर ने चलो सारी कॉपीज दे दी ना इसलिए कि पेपर होने वाले ना। चलो मैं खोलूंगी ना बेटा बैठ, जब तक पेपर नहीं हो जाते जब तक नहीं निकलेगा। जाओ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बच्चों के जाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री थी क्योंकि खाना भी बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि शाम का टाइम है और मैं सिलाई कर लेती हूँ, लाइट भी आ रही थी तो यहाँ मैंने पीस निकाल लिया था और आयमा की कटिंग कर रही थी फ्रॉक। जी तो बच्चे ट्यूशन से आने के बाद और लेट गए थे और लेटे लेटे सो गए क्योंकि लाइट चली गई थी, तो जो है इसलिए सो गए थे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सभी सो रही है, ये देखें
जैसा कि मैंने ब्रश करी थी, कंघा करी थी, तो कंघा करते करते वो सो गई है। और अभी अभी लाइट आई है तो फिर मैं फ़ैन वगैरह चलाती हूँ, और जो है ना फ़ैन बंद था क्योंकि अभी लाइट आई है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि किचन में क्या हुआ। लाइट गई हुई थी, मैं अंधेरे में अपने कमरे में बैठी थी, तो जो है किचन में ये हो गया मेरे साथ। और ये क्या हुआ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड दीमक ने खा लिया है और ये पूरा फैल गया है। और बच्चों ने तो खाना खा लिया था क्योंकि मैंने पुलाव बनाया था, तो बच्चों ने खाना खा लिया था। अच्छा, कैबिनेट अभी बने थे मेरे, ये न्यू कैबिनेट बने, लेकिन दीमक इतनी है और इस कदर है कि जो है मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, तो ये दीमक से जो है ना ये पूरा काम ख़राब हो गया है। तो अब मैं इसको सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो यहाँ पर मेरे सब काम हो गए हैं और बच्चे भी सो गए हैं। और कल मैं जैगम और किसा को नहीं भेजूँगी स्कूल क्योंकि एक तो पता नहीं गली में क्या हो रहा है, क्योंकि किसा का परसों पेपर है और कल उसको मैं जो हूँ नहीं भेजूँगी स्कूल, और बोलूँगी घर में ही प्रैक्टिस वगैरह कर ले पेपर की, क्योंकि फाइनल टर्म है। और कल का मैं एक दिन उसको रेस्ट दूँगी, और परसों से वो पेपर उसके स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो है अभी जो है ना बच्चे सो गए हैं। मैंने बच्चों से यही कहा था कि जब आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप लोग रेस्ट कर लो, थोड़ा सा खेल लो, लेकिन वो ज़ाहिर है सुबह के उठे हुए थे, आज तो स्कूल गए थे ना, तो वो जो सुबह के उठे हुए थे ना तो उनको जल्दी नींद आ गई, दोनों बच्चे मेरे सो गए थे। और हमारी तरफ अब पहले ही जाती थी एक घंटा लाइट, अब ढाई ढाई दो दो घंटे जा रही है, तो पता नहीं क्या हो गया लाइट वालों को, खैर अल्लाह रहम करे। और किचन का बस ये हुआ है कि किचन मेरा हो गया ख़राब, और बस कैबिनेट उसका टूट गया अंदर का, दीमक इस कदर है, अच्छा कमरों में नहीं है, सिर्फ किचन में है, और किचन में जो है ना वो कैबिनेट अंदर से खा रही है। तो जो है किचन का एक कैबिनेट हो गया ख़राब, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कि दूसरा भी होता है नहीं होता, या दीमक वहीं रुक जाएगी, किस तरह सही होगी। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी शेयर करें, ताकि मेरी जो है ना जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।